rfi.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। हम आज चर्चा कर रहे हैं बिहार में हो रहे विधानसभा के दो सीटों पर उपचुनाव की। विधानसभा के दो सीटों के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस काफ़ी उत्साहित है। कांग्रेस अब बिहार में अपनी नई जमीन तलाशनी भी शुरू कर दी है, ऐसा कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा कहते हैं। उनका यह कहना है कि बिहार में कांग्रेस को जिस प्रकार का समर्थन मिल रहा है, इससे हम उत्साहित हैं। इसके परिणाम के बाद हम कांग्रेस के आलाकमान से बात करेंगे कि बिहार में हमें अपने पैर पे खड़ा होने का मौका दे। यूपी की तर्ज पर बिहार में भी कांग्रेस अपने पैर पे खड़ा हो सकती है अगर आलाकमान हम पर भरोसा करे। अजीत शर्मा बताते हैं कि कन्हैया कुमार कल बिहार आ रहे हैं और शनिवार से वे चुनाव प्रचार करेंगे। पप्पू यादव से भी हमने समर्थन मांगा है, पप्पू यादव अगर हमें समर्थन दे देते हैं तो कांग्रेस इन दोनों सीटों पर, मतलब कुशेश्वर स्थान और तारापुर में, काफ़ी मजबूत स्थिति में आ जाएगी और हम फाइट में रहेंगे। अजीत शर्मा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के संघर्ष और उसके नतीजे ने बिहार में भी कांग्रेस को रास्ता दिखाया है और उसे प्रेरित किया है। यही कारण है कि राजद और वाम दलों के विरोध के बाद भी कांग्रेस पहले कन्हैया को अपने साथ जोड़ा, अब पप्पू यादव से समर्थन मांग रही है। राजद पर कांग्रेस से गठबंधन करने का आरोप लगाकर बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस बिहार में अब अपने लिए जमीन तैयार करना शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा का मानना है कि किसी के कंधे पर चलकर हम मजबूत नहीं हो सकते। प्रदेश प्रभारी भक्तचरण दास ने भी बिहार में कांग्रेस को कमजोर करने का राजद पर आरोप लगाकर संकेत कर दिया है कि उन्हें गठबंधन से ज्यादा संगठन की फिक्र है। संगठन में मजबूती होगी तो दोस्ती और दुश्मनी भी दमखम से होगी। कांग्रेस और राजद की दूरी का मूल कारण वाम दल है। राजद की वाम दल से बढ़ती दोस्ती ने कांग्रेस को बड़ा सबक दिया है। विधानसभा चुनाव में राजद ने कांग्रेस की तुलना में वाम दलों को ज्यादा महत्व दिया। हालांकि गठबंधन में मिलने वाली सीटों की संख्या तो 70 थी, परंतु अधिकांश गिनती की थी। बकौल अजीत शर्मा, कांग्रेस को 30 से 40 सीटें ऐसी दी गई थी जहां पहले से ही हार तय थी। दूसरी तरफ वाम दलों को मिलने वाली सीटों की संख्या भले ही कम थी, किंतु सब के सब मन चाहे और जनाधार वाली थी। सूत्र कहते हैं कि कांग्रेस को इसका मलाल है। अजीत शर्मा, 27 विधायकों वाली पार्टी को 70 सीट दी जाती है और जिस दल का एक भी विधायक नहीं उसे 20 सीट, इस पर सवाल भी खड़ा करते हैं। राजद के वरीय नेता शिवानंद तिवारी ने सरकार नहीं बना पाने का ठीकरा कांग्रेस पर के माथे फोड़कर राजद और कांग्रेस में चल रहे मनमुटावों की दरार को और बढ़ा दिया। अजीत शर्मा की माने तो कांग्रेस अब अपने पैरों पर बिहार में खड़ा होना चाहती है। अजीत शर्मा कहते हैं कि जनता भी ऐसा ही चाहती है, लेकिन हम कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर मिलने वाले समर्थन के बाद ही अपना आगे की राह तय करेंगे। पार्टी आलाकमान से भी अपनी फरियाद करेंगे कि वह कांग्रेस को बिहार में अपने पैर पर खड़े होने का मौका दे, लेकिन यह सब कुछ निर्भर करेगा चुनाव परिणाम पर। हम अपनी जीत के लिए शनिवार से अपना चुनाव प्रचार और तेज करेंगे। शुक्रवार को कन्हैया पटना आ रहे हैं, शनिवार से ही वे चुनाव मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। पप्पू यादव से भी हमने आग्रह किया है कि वे हमें अपना समर्थन दें। उनकी पत्नी कांग्रेस की सीनियर नेता हैं, इसलिए भी पप्पू यादव को कांग्रेस का समर्थन देना चाहिए। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।